मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जहां से वह आए वह अंग्रेजों के जमाने से ही विकसित, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो इतना विकास होता जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत अच्छा, देखिए विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो आप समझ रहे हैं कितना विस्तार हो जाता और कितना ज्यादा, और हमको अभी हम लोग सब कुछ खुद करते हैं। अगर उस तरह से मिल जाता तो आप समझ लीजिए कि अभी बिहार एकदम इतना विकसित हो जाता, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। उसके चलते तो हम लोग चाहते ही थे, लेकिन नहीं होने के बाद भी तो हम लोग विकास तो कर ही रहे हैं। हट घंटा छोड़नी चाहिए केंद्र सरकार को। सर हट छोड़ना चाहिए केंद्र सरकार को। नहीं नहीं सर, यूरिया को कुछ बोलिए क्यों नहीं मिला किसानों को यूरिया। ये सब चीज मानना चाहिए, पहले जैसे पिछड़े राज्यों को कई जगहों पर बनाया गया वैसे बना देना चाहिए, अन्य पिछड़े राज्यों को बना देंगे तो पूरा देश न विकसित हो जाएगा। भाई काहे नहीं समझ रहे, अब कहीं विकसित राज्य से आए हैं तो समझ ही नहीं रहे दूसरे जगह की बात। वो तो शुरू से विकसित था जहाँ से आए, वो तो अंग्रेजे के टाइम से था। हम बोल रहे चौबीस का चुनाव सर, सर सर एक सवाल चौबीस का चुनाव सब सब अलग बतियाएगा। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू के सुर नरम हो गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस बयान के लिए समझाया है और उनसे बयान वापस लेने के लिए कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को बयान वापस लेने के लिए कहा जा चुका है। आप जानते हैं ना यहाँ हम लोगों ने कितना आपस में हम लोगों ने कोशिश की है कि विवाद कितना न के बराबर है। हम लोगों ने तो कोशिश किया है, लेकिन अभी सब चीज कोई सुन ले, किसी भी धर्म के मामले में कोई भी चीज कोई बोलता है तो हमको नहीं ठीक लगता, हम ये सब में नहीं इंटरफेयर कर। मंत्री जी को अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए ना। हम तो उसको कह चुके हैं, अब आपको क्या बोले, कह चुके मंत्री जी वापस नहीं ले रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के तरफ से भी कह दिया है ना, तो सब ठीक है। ये सब पर मत ज्यादा चर्चा, अलायंस में सब कुछ ठीक है सर, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई कोई इंडिविजुअल बेचारे को कोई दिमाग में बात आती है, इसका मतलब है कि कोई अलायंस में और पार्टियों में किसी तरह की कोई बात नहीं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार सीएम नीतीश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिस कारण से आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुधाकर सिंह द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान से आरजेडी के बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई है। जेडीयू का आरजेडी पर दबाव काम आया। सीएम नीतीश के खिलाफ लगातार बोलने वाले राजद नेता सुधाकर सिंह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि सुधाकर सिंह ने अनुशासन तोड़ा है। हालांकि ये राजद का अंदरूनी मामला है और आरजेडी का नेतृत्व कार्रवाई करने में सक्षम है। राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन का आरोप और साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसले का उल्लंघन, प्रथम दृष्टया यह स्वीकार किया गया कि इन्होंने अनुशासन तोड़ा है, तो राजद का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है, ऐसे लोग जो गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उन पर दल के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का, और बिहार ने रास्ता दिखाया है। गैर भाजपा दलों की एकजुटता नेतृत्व और नीतियों के बदौलत हुआ है, जो देश के सामने एक नजीर है। ऐसे में कोई एक व्यक्ति अपने स्वहित के लिए गठबंधन पर लगातार सवाल या निशान खड़ा करे, नीतियों पर सवाल खड़ा करे, ये तो एक दल राजद का आंतरिक मामला ने स्वाभाविक परिणति ली। बिहार की राजनीति में तेजस्वी को प्रमोट करने की बात खुद सीएम नीतीश कुमार कर चुके हैं, लेकिन जब नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटा के मंत्री अशोक चौधरी से तेजस्वी को प्रमोट करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता है। नीतीश जी किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने। क्या आप तेजस्वी को प्रमोट करेंगे अगला सीएम के रूप में, जेडीयू प्रमोट करने जा रही है? देखिए ऐसा है,
कि राजनीति में कोई किसी को प्रमोट नहीं करता। हरेक पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करती है, चुनाव लड़ती है, चुनाव जीत करके आती है, जो उसका नेता होता है वो निर्णय करता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं किसी के कृपा पे नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री अपने काबिलियत पर, अपने काम करने के जो उनका कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उस पर किए हुए हैं। जब नीतीश जी बिहार की बागडोर संभाले थे तो बिहार का बजट मात्र 32,000 करोड़ रुपया था। रामचरितमानस के मुद्दे पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी के बयान के बावजूद आरजेडी और जेडीयू के बीच गहमा गहमी जारी। राजद नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है, बीजेपी के एजेंडे पर जेडीयू काम कर रही, बीजेपी की जो राजनीतिक लाइन है वही लाइन जेडीयू ने ले रखी। नहीं सुना, एक बात तो बिहार जान गया कि कौन किसके एजेंडे पे है। ये रामचरितमानस के सवाल पे कौन किसके एजेंडा पे है ये तो बिहार जान गया। छुपा हुआ है बात कि मैं कहां पे राजनीति में खड़ा हूं और जनता दल यू कहां खड़ा हुआ है। वह तो केवल रामचरितमानस के सवाल पर ही बात में चला गया कि जो बीजेपी का लाइन है राजनीति में वही लाइन जेडीयू ने ले रखा है पूरे बिहार में। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस ने झारखंड से जंगल के रास्ते बिहार में शराब सप्लाई करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 9 बाइक भी बरामद हुई। नवादा के नावाडी जंगल में पुलिस को सफलता हाथ लगी। बिहार के हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी के पास उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक लूट पहुंचे 3 की संख्या में बैंक लुटेरे जब बैंक के अंदर प्रवेश करने लगे। बैंक में ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही ने जब बैंक लुटेरों से पासबुक और अन्य पूछताछ की तो लुटेरों ने महिला सिपाही पर पिस्टल तान दिया। महिला सिपाही ने साहस दिखाते हुए अपनी राइफल तान दी। उसके बाद महिला सिपाही और बैंक लुटेरों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 2 महिला सिपाही जख्मी हो गए। उसके बाद बैंक लुटेरे वहां से भाग गए। गिरिडीह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिला स्तरीय समीक्षा बैठक, साथ ही सीएम सोरेन ने गिरिडीह में खतियानी जोहार यात्रा तय आम लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि यहां के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, बहुत जल्द हम इस पर कानून लाने जा रहे हैं। अबरक का मिट्टी को ढोने पर भी यहां के मजदूरों को पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ती है। सैकड़ों के कोर्ट कचहरी और केस लाद दिए जाते हैं, लेकिन 20 सालों में इस संदर्भ में हमारे विपक्षियों ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, बहुत जल्द हम लोग कोडरमा जिला का, इस पुराने कोडरमा गिरिडीह जिला का चर्चित जो विषय रहा है, ये हम लोगों का अवरत के संदर्भ में हम कानून लाने जा रहे हैं, जहां उसके बाद यहां के मजदूरों पर कभी कोई केस और कोर्ट कचहरी नहीं।